21 अगस्त को उरला के समीप सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से एक जख्मी सैनिक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके प्राथमिक संपर्क में आए क्षेत्र के युवाओं के वीरवार को सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। कार्यवाहक वीएमओ डॉक्टर विनय ठाकुर ने बताया कि सिविल अस्पताल पद्धर के 2 चिकित्सक, 1 स्टाफ नर्स, 1 फार्मासिस्ट, 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मी, 108 एम्बुलेंस के 2 पायलट और 2 फार्मासिस्ट, 15 वॉलंटियरों सहित पद्धर क्षेत्र के करीब 34 लोगों के सैंपल लेकर जांच को भेजे गए हैं, जिनकी शुक्रवार देर शाम तक रिपोर्ट आने की संभावना है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पद्धर से ललित ठाकुर।